नमस्कार, टीवी एशिया के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना तुंगारे। खबरों के सफर को शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ साथ गरीबों को मिलेगी पेंशन स्कीम भी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारतीय पीएम का दौरा, किया 24,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, तो नक्सलियों से हथियार छोड़ हल उठाने की अपील। आर्मी में सैन्य सामग्रियों की कमी पर बनी सीएजी रिपोर्ट पर निश्चिंत दिखे गृह मंत्री, तो रक्षा जानकारों और विरोधियों ने पूछा, गंभीर क्यों नहीं सरकार। और बाबा रामदेव का पद्म भूषण और नोबेल पुरस्कारों में लॉबिंग होने का आरोप, नेताओं ने लिया आड़े हाथ, तो बीजेपी बोली, सभी को अपने विचार रखने की आजादी। अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं मोदी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से। जनधन योजना के सफल होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 3 योजनाएं लॉन्च की। इनमें से 2 इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो 1 पेंशन योजना है, जो गरीब तबके के लोगों को मामूली प्रीमियम पर जीवन और दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध करवाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सामाजिक क्षेत्र की 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें से 2 बीमा क्षेत्र से जुड़ी हैं और 1 पेंशन स्कीम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये पहली पश्चिम बंगाल की यात्रा है। मोदी ने आज कोलकाता में नजरुल मंच से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में मोदी ने इस मौके पर कहा कि हम सत्ता में आए और तय किया कि किसी को 1,000 रुपए से कम पेंशन नहीं मिलेगा। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। आज हम आए हैं कि जिसको सुरक्षा का कवच नहीं है उसको हम सुरक्षा का कवच देंगे। एक योजना है प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपए में 2,00,000 रुपए की इंश्योरेंस स्कीम लेकर के हम आए। पश्चिम बंगाल में 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे पीएम ने कोलकाता में कहा कि गरीबों को सहारा नहीं शक्ति की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन योजनाओं को शुरू करते हुए उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि देश में 80-90% लोगों के पास किसी तरह का बीमा या पेंशन स्कीम नहीं है। इसी हमारी योजना आज जिसका हम प्रारंभ कर ले, अटल पेंशन योजना। आप देखिए हिंदुस्तान में दस-15% लोगों को ही ये नसीब होता है पेंशन, बाकी सबके लिए बुढ़ापा कहाँ बिताएंगे, चिंता का विषय, कैसे बिताएंगे, चिंता का विषय। वहीं इससे पहले कि अपनी जनधन योजना की सफलता पर बोलते हुए मोदी ने बताया कि देश में 15 करोड़ नए खाते खोले गए हैं, जिनमें 15,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। साथ ही नई योजनाओं पर मोदी ने कहा कि 60 साल पार कर जाने के बाद अब किसी को दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं होगी। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की। उन्होंने चरमपंथियों को हल उठाने की सलाह दी। वहीं दंतेवाड़ा में आज पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलियों के गढ़ दंतेवाड़ा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पीएम के साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने आज दंतेवाड़ा स्टील प्लांट और उसके बाद रावघाट से जगदलपुर के बीच बनी 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन किया। दिलचस्प बात यह है कि करीब 30 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा के दौरे पर पहुंचा है, जिसका अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र भी किया। शायद बस्तर के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 1 घंटे के इस समारोह में 24,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का निर्णय हो। वहीं पीएम मोदी ने नक्सलवादियों से कहा कि वो हिंसा छोड़ गए अमन के रास्ते पर चले, ताकि मौत का तांडव खत्म हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। पीएम मोदी ने कहा कि कंधे पर बंदूक नहीं बल्कि हल होने से विकास होगा और इससे हर कोई देश की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। हिंसा का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों में है। मुझे विश्वास है इस भूभाग में भी इस गलत रास्ते पर चल पड़े लोग भी, उनके भीतर भी कभी न कभी मानवता जगेगी।
इससे पहले मोदी के दंतेवाड़ा आगमन का विरोध कर रहे नक्सलियों द्वारा उनकी रैली में आ रहे करीब 250-300 लोगों को बंधक बना लेने की खबरें आई। इन खबरों की केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पुष्टि की और बताया कि सभी ग्रामीणों की रिहाई की कोशिश की जा रही है। अब खबर सेना से जुड़ी। भारतीय थल सेना के पास गोला बारूद की पर्याप्त मात्रा न होने की CAG की रिपोर्ट को आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह काफी हल्के में लेते दिखे। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, हालांकि रक्षा जानकारों और विरोधियों ने इस गंभीर रिपोर्ट को गंभीरता से लेने को कहा। भारतीय सेना के पास केवल 20 दिनों तक युद्ध लड़ने का ही गोला बारूद मौजूद है, ये खुलासा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ने किया है। CAG ने शुक्रवार को भारतीय संसद में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक थल सेना के पास सिर्फ 15 से 20 दिन ही लड़ सकने लायक गोला बारूद है। अगर 20 से अधिक दिनों तक लड़ाई छिड़ती है तो सेना के पास मौजूद गोला बारूद कम पड़ सकते हैं। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गृह मंत्रालय को युद्ध सामग्री प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस गंभीर रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज काफी हल्के में लेते दिखे और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, भारत सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। वहीं सुरक्षा जानकारों ने इस रिपोर्ट को चिंताजनक बताया और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेजर बॉम्ब फॉर द एयरक्राफ्ट कॉस्टिंग अबाउट करोड़ ऑफ रुपीज, वी आर आल्सो फीलिंग दैट वी शुड गेट मोर लेजर बॉम्ब्स, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज दीज बॉम्ब्स कैन नॉट बी स्टोर्ड for a very very long time. If there is no war for 20 years, 30 years, these bombs have to be wasted out. Therefore, there is a possibility that if there is a very intense battle fighting with the neighboring countries including Pakistan or China, we may run short of these ammunitions. उधर मुख्य विरोधी कांग्रेस ने भी सरकार को इसे हल्के में ना लेने की सलाह दी। I think this is a matter of national security and national safety on which political comments need to be avoided. It is imperative for the government to take immediate, urgent and very serious note of the CAG's findings and to make up the deficiency in ammunition. Calamities and adversities do not strike after notice, and if and when they strike suddenly, if we are found wanting or lacking in these matters, we will become the laughing stock of the world. So I think immediate, prompt and comprehensive action is called for. इससे पहले मार्च 2013 की अपने रिपोर्ट में भी CAG ने कहा था कि 170 में से 125 अलग अलग प्रकार के गोला बारूद 20 दिनों के युद्ध के लिए भी पर्याप्त नहीं है। CAG के मुताबिक तब से लेकर अब तक हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। अब बात बाबा रामदेव की। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि पद्म भूषण और नोबेल जैसे पुरस्कारों के लिए भारी लॉबिंग की जाती है और ये सिर्फ रसूखदार लोगों को ही मिलते हैं। उनके इस बयान पर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी तो BJP ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा रामदेव एक बार फिर अपने विवादास्पद बयान से खबरों में आ गए हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि पद्म पुरस्कारों और नोबेल पुरस्कार तक के लिए भी चयन की प्रक्रिया में बहुत लॉबिंग होती है और जिनका रसूख होता है उन्हें ये पुरस्कार मिलते हैं। पहले विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग के प्रचार के लिए SOCHM द्वारा आयोजित कार्यक्रम से अलग रामदेव ने ये बात कही। बाबा के मुताबिक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कारों में भी लॉबिंग होती है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। ये सारी दुनिया जानती है कि पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण, विभूषण और तमाम तरह के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तक अच्छे लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन इन्हीं पुरस्कारों को पाने के लिए लोग बहुत जबरदस्त तरीके से लॉबिंग भी करते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकली जिन लोगों का प्रभाव होता है वो इन अवार्ड्स को पाने में कामयाब हो जाते हैं। रामदेव के इस विवादित बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मुख्य विरोधी कांग्रेस और JDU ने इस पर आपत्ति जताते हुए उनके साथ साथ मोदी सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बाबा रामदेव बोथ आर रिस्पेक्टेड, दे मस्ट आंसर व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लॉबिंग और हैज नाउ नेशनल अवार्ड्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स हैव ऑल्सो बिकम इवेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स like the Prime Minister does. These are serious questions that Prime Minister must answer. दूसरी ओर BJP ने इस मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की और कहा राष्ट्रीय पुरस्कारों पर राजनीति ठीक नहीं। कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन जहां तक ऐसे सम्मानित पुरस्कार हैं,
इनका मैं मानता हूं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये सम्मान के पुरस्कार हैं और चाहे विदेश में हो या भारत में हो, इन पर किसी भी रूप से किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव ने पद्म विभूषण को लेने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे एक सन्यासी है और देश एवं लोगों की सेवा करना उनका धर्म है। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बचे लोगों ने ली राहत की सांस, क्रैश का वाकया किया बयान तो बोले सुरक्षा को लेकर पाक में कई कमियां। और नेपाल भूकंप से हुई मौतों का आंकड़ा पहुंचा 7,900 के पार, हजारों घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज, तो धरोहरों को लेकर दुखी दिखे नेपाली नागरिक।